उस अधिकारी ने जो है इस बात को पुलिस में अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई और स्वाभाविक तौर पे उसमें आगे कार्रवाई होने की और वो अब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया, उस पर जांच चल रही है। वो कहां से जो पत्र बना, किसने उसमें साजिश रची, कौन कौन लोग उसमें थे, ये सारा जो एक विषय है वो जांच का विषय है। पुलिस उस पर काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास है स्वाभाविक तौर पे जो है सरकार की इमेज को खराब करने के लिए कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी शरारत करते हैं, पहले भी पास्ट में होती रही है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इस प्रकार के झूठे आरोपों से या झूठे पत्र लिखे जो है सरकार के इरादों को कमजोर किया जा सकता है काम करने का। आप देखें हिमाचल प्रदेश इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रहा है, आप समझें कि 7 अप्रैल से लेकर अभी पिछले 3-4 दिनों तक, आप समझे 2 महीने तक लगातार भारी बारिश की वजह से, मानसून की वजह से जो आपदा हिमाचल प्रदेश पे थी उसके दौरान बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ, लोगों का हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का हुआ और सरकारी संपत्तियों का। सड़कों की बात करें, आप पुलों की बात करें या सिंचाई की स्कीमों की, पीने के पानी की स्कीमों की, या जैसे आपसे जिक्र किया कि 10,000 से ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों के घर जो है रहने योग्य नहीं रहे और तकरीबन 2500 के घर करीब जो है ढह चुके हैं। तो अपने आप में ये 50 साल 60 साल जब भी आप कहें हमारा जीवन का जो अनुभव है, अपने आप में ऐसी आपदा हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं देखी। बहुत बड़ा नुकसान था और इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में काम करी, वो आप लोगों ने हमसे ज्यादा देखा। आप इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री जी से बातचीत और चर्चा करते रहे कि किस प्रकार से राहत कार्यों को आगे बढ़ाया गया और किस प्रकार से सरकार और मुख्यमंत्री जी के प्रयास रहे कि वो हर व्यक्ति तक, मैं जहां लोगों को सहायता की जरूरत थी और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे, चाहे मैनुअल को चेंज करने की बात थी कि राहत मैनुअल में बहुत बड़े बदलाव हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने किए और राहत कार्यों को देश में हमें सबसे बड़ी बात, एक और उसमें सबसे बड़ी बात है जिसपे लोगों को भी, आप लोगों को भी चर्चा करनी चाहिए कि अपने आप में अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी ने इस बात का जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा की घड़ी, आप सभी समझते हैं कि वो किस दल से संबंधित है और सीनियर लीडर है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से जो प्रेस जो है सराहना आपने, इसको सहायता मिली, कहीं ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई कि जहां लोगों को ऐसा लगा कि हम कई दिनों से फंसे हुए हैं या कई दिनों तक वहां खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है या वहां पर सड़कें नहीं खुल रही है। आप सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि प्रदेशवासी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सड़कें बंद भी होती रही और लगातार उनको खोलने का कार्य युद्ध स्तर पे चलता रहा, चाहे वो सेब की फसल को भुगतान करने की बात थी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने था, लेकिन उस चैलेंज को जिस प्रकार से साहस के साथ और फ्रंट लाइन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी टीम ने और अधिकारियों ने किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। जैसा मैंने जिक्र किया तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने चिट्ठी लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इस प्रकार से आपदा के समय में काम करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए उनको प्रेस किया गया। और अभी आप देखें 2 दिन पहले एक और चिट्ठी नीति आयोग जिसके चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नीति आयोग से एक चिट्ठी आई है प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें वही जिक्र किया गया है कि आपने बहुत साहसिक काम किया है, बहुत अच्छा काम आपने आपदा के अंदर प्रदेश के लोगों को जो सहायता दी, इसके लिए मैं इनफैक्ट आप सभी जो मीडिया के बंधु हैं, मैं आप लोगों को भी इस बात के लिए मुबारक देता हूं कि आप लोगों ने बड़े अच्छे इन पूरे 2-2.5 महीने के दौरान हर बात को, सरकार के काम करने की बात थी या लोगों की परेशानियां थी, आप लोगों का काम भी बहुत सराहनीय रहा। मैं इस बात के लिए आप सभी की भी सराहना करता हूं कि सब ने मिलजुल के, प्रदेशवासियों ने भी एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े होकर ये दर्शा दिया कि हिमाचल प्रदेश के लोग जब उनके ऊपर संकट आता है, बुरा वक्त आता है, तो वह एकजुट होकर जो है काम करते हैं और इसको लेके पूरे देश के अंदर आज जो प्रदेश का नाम बना है उसमें स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री जी का रोल सबसे बड़ा रहा, लेकिन आप सभी का भी उसमें एक बहुत अहम रोल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कार्य हुआ
अभी केवल मात्र लोगों को राहत देना, सड़कों को खोलना टेम्परेरी फेस था ये, लेकिन प्रदेश को बनाने के लिए, दोबारा उस स्थिति में पहुंचाने के लिए, वो किसी भी विषय की बात करें, सड़कों की बात करें, पुलों की बात करें, हर तरह बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है। अगर 10-12 हजार करोड़ से ऊपर ये नुकसान हो चुका है, तो उन उस भरपाई के लिए भारत सरकार की तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे प्रदेश के लोग बार बार देख रहे हैं कि हमें अच्छी सहायता जो है भारत सरकार से मिलेगी, जिसके दम पे हम इस कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, और तकरीबन 1 से 2 वर्ष का कार्य जो है इसमें जैसे समय की जरूरत है उसी तरह संसाधनों की बहुत जरूरत है, तो बहुत बड़ा नुकसान है। भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं कि जरूर मदद मिलेगी भारत सरकार से, और उसके दम पे हम इन कार्यों को पूरा करेंगे। आने वाले समय के लिए सबके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि द्वारा से उन परिस्थितियों में सब सड़कों को ठीक करना, इसके लिए समय लगेगा, और इसको सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने कल ही दोबारा से अपने मंत्रिमंडल के लोगों को लोगों के बीच जाने के लिए ड्यूटीज लगाई है कि आप लोगों के बीच जाएं, जहां पर पहले दौर का उनको सहायता देने की बात थी वहां हम पूरी तरह से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट नजर आए, लोगों तक पहुंचे, उनको सहायता दी, लेकिन अब इस सहायता को और भी आगे बढ़ाना है, लोगों की और जो दुख तकलीफ है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी खुद भी जा रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी जा रहे हैं, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को भी आदेश है कि आप द्वारा से भी कोई कमी रह गई हो, कोई छूट गया हो, किसी के डैमेज का कोई सर्वे ना हुआ हो, ये सारी बातें होनी चाहिए, और इसको लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की जो ये पत्र की बात होती है, कुछ इस तरह का लोग ये राजनीतिक दृष्टि से जरूर ये प्रयास करते होंगे कुछ लोग कि सरकार का एक अच्छा काम करना या मुख्यमंत्री का, उस चीज से माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया के लोगों में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि जब आपकी मंशा साफ होती है, मुख्यमंत्री की या सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हमने बिना राजनीतिक दृष्टि से लोगों की जो मुसीबत में थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में था, वहां पर जाके उनकी सेवा करनी है, उनको मदद करनी, उसमें मंशा सरकार की और मुख्यमंत्री की साफ। सर, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर खबरें वायरल हो रही है, क्या स्थिति है, क्या सच में मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य खराब है या फिर? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 60-70 दिन में आप कम से कम 30 बार तो 40 बार आप लोग भी मुख्यमंत्री से मिल चुके हो। जब आप लोगों का दिल करता है आप सेक्रेटरीट के गेट पे कहीं भी मुख्यमंत्री को रोक के अपनी बातचीत करते हैं, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार 16 घंटे काम कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, तो मुझे लगता है ये बीमारी हो सकती है कि काम करने की बीमारी उनको लग गई है, और ये किस तरह की बातें फैलाई जा रही है इसको प्रदेश के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिस मुख्यमंत्री को अपने बीच लोग देख रहे हैं 3 महीने से लगातार हर क्षेत्र में, वो आप बात करें कुल्लू मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां माननीय मुख्यमंत्री लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, या दिल्ली जाने की बात है, या हाईकमांड से जो अपने देश के प्रधानमंत्री है उनसे मिलने की बात है, या लोगों के हित की बात करना, प्रदेश के हित की बात करना है, तो ये प्रोपोगंडा इस तरह का कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। मुख्यमंत्री पूरी तरह प्रदेश के लोगों के साथ है और काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये कोई बड़ा छोटी हरकत जिसने भी की है, अभी उनकी क्या सोच है इसके। सर, जो पत्र वायरल हुआ था, 3 लोगों से पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि लेटर लिखा किसने है, और क्या जिस प्रकार से आपने कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो उसमें सम्मिलित है, कोई ऐसा है कि भाजपा के लोग थे या कोई आम लोग थे, क्या ऐसा इसमें? देखिए, अभी तो ये चीज पुलिस की जांच का विषय है, जो लोग हिरासत में लिए उनसे निश्चित तौर पर उनसे पुलिस कार्रवाई करेगी, जांच उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसके पीछे कौन लोग है, किन किन लोगों की ये साजिश हो सकती है, ये सारा जो है विषय जो है जांच का है। मैं समझता हूँ अभी पुलिस को इसमें काम करने देना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक तौर पे एक चीज ठीक थी कि एक ऐसा षड्यंत्र हो रहा है कहीं से, जो लोग या उस अधिकारी के खिलाफ है या क्या है इसके पीछे वजह, तो उसने सीधे तौर पे इसका FIR किया था, पुलिस को मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन की, अगले कुछ दिनों में इसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाए। क्या केंद्र से अभी तक उस तरह की मदद मिल पाई है जिस तरह की आप उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है, स्टेट डिजास्टर पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन नेशनल डिजास्टर की आप मांग कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या केंद्र मदद कर रहा है उस तरह से या नहीं कर रहा है?
देखिए, राष्ट्रीय आपदा की जो बात थी वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया था कि आप सभी जानते हैं कि वो भारत सरकार ने उसको डिक्लेयर करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया तो स्टेट डिजास्टर हमने राज्य को घोषित किया था। तो अब ये जरूर है कि नुकसान बहुत बढ़ा है, ये भी सही है कि उम्मीद भी है कि भारत सरकार से मदद मिलेगी, उसी संसाधनों के दम पे जो है हम लोगों के बीच द्वारा से उस काम को तेजी लाएंगे। लेकिन जो संसाधन हिमाचल प्रदेश के पास अपने थे, वे बार बार मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास जो भी अपने संसाधन है उसके फलस्वरूप हमने पूरा प्रयास किया, कहीं कोई कमी पैसे की नहीं आने दी। वो सड़कों को खोलने की बात थी, वो सैकड़ों के हिसाब से मशीनरी हायर करने की बात थी, या लोगों को राहत देने की बात थी। अगर राहत मैनुअल में 5,000-10,000 की जगह 1,00,000 रुपया किया गया, या 1,30,000, और भी लोगों की जो बिलोंगिंग्स हैं या आपके पशु हैं, किसी भी तरह के जो लॉसेस लोगों के हुए हैं, उसके लिए पूरी तरह से पैसे का इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया और वो लोगों तक पैसा राहत पहुंच भी रही है, तेजी से पहुंच भी चुकी है। आगे भी और आगे उनकी इरादा बड़ा साफ है कि ये वहां तक नहीं रुकना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपने घर खो दिए, जिन लोगों ने अपने खेत खलिहान खो लिए, उनको किस तरह से द्वारा से मदद की जाए, उनके लिए घरों का इंतजाम कैसे किया जाए, मुख्यमंत्री जी और सरकार उस बात पे आगे गौर कर रही है। जहां तक सवाल है कि कुछ राहत अगर जल्दी मिलती उनको जरूर फायदा। फ्यूल खर्ची बचाने की बात कर रही है और दूसरी ओर सरकार एक प्रिंसिपल एडवाइजर की एक और नई पोस्ट बनाने जा रही है, ऐसी क्या जरूरत सरकार को? नहीं, ये कुछ नहीं है। हमारे सब जगह आपने बहुत सारे ऐसे फैसले सरकार के देखे कि लगातार मुख्यमंत्री जी ने जो गार्ड ऑफ ऑनर वीआईपी को मिलता था वो पिछले कई दिनों से बंद किया हुआ है। सिर्फ इस बात के लिए ऐसे फैसले किए हैं कि जिससे पुलिस के जो अधिकारी हैं, लोग हैं जो उस काम में लगते थे, लोगों की सेवा में आपदा के टाइम में लोगों के बीच दिखने चाहिए। उसके बाद आप सभी को ये भी बात जहन में होगी कि मुख्यमंत्री जी खुद 3 महीने बिना हेलीकॉप्टर से काम करते रहे। उसके पीछे सीधी सी सोच थी कि जो संसाधन है उनको बचाने का काम होना चाहिए और प्राथमिकता तय होनी चाहिए कि लोगों को इस वक्त किस प्रकार की सहायता और कैसे मिल सकती है, और सादगी के साथ पूरी मेहनत के साथ सरकार और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।